हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 79,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट है सबसे पहले आप सभी को प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ अभी और बिल्कुल कह सकता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल न्यू है दोस्तों, जो कि बीएड के खिलाफ एक और याचिका को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ, जिसमें दोस्तों डबल बेंच के अंदर याचिका डाली गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सिंगल बेंच के अंदर आप सभी को पता ही है कि बीएड के खिलाफ याचिका डाली गई थी अमित भदौरिया जी के द्वारा, लेकिन दोस्तों उस रिट को जो है खारिज कर दिया गया था, उस रिट को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि सिंगल बेंच जो है वो रूल मेकिंग अथॉरिटी उनके पास नहीं है, इसलिए इस रिट को जो है डबल बेंच में डाला जाए। तो दोस्तों वहाँ से हट करके जो याचिका उसको डबल बेंच में ले जाया गया और डबल बेंच में दोस्तों आज के दिन ये वाली जो रिट है वो डाल दी गई है और इसकी जो सुनवाई तिथि वो भी लगभग नियत हो चुकी है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं सरकार की गलतियों की वजह से अब छात्रों में आपस में कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है। आपस में दोस्तों पहले से ही आप सभी को पता है ग्रुप बने हुए थे, लेकिन अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो छात्र वो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए कहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टैंड जो वो क्लियर नहीं हो पाया। सरकार हर बार दोस्तों एक नई डेट जो है सामने आ जाती है कि सरकार आज तक जाएगी, सरकार इतने तारीख तक जा सकती है, सरकार का स्टैंड अब क्लियर होगा, लेकिन ऐसे करते करते सरकार ने लगभग दोस्तों 1.5 महीना निकाल दिया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड जो वो क्लियर नहीं किया गया, लेकिन उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर सरकार अपना स्टैंड तो जो क्लियर है वो कर देगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों बीएड के खिलाफ डबल बेंच में याचिका डाली गई है, जिसकी जो सुनवाई तिथि दोस्तों वीरवार को लगेगी। कहने का मतलब है थर्सडे वाले दिन 23 तारीख को दोस्तों सुनवाई होना संभव है। उसी दिन दोस्तों आप सभी को पता है कट ऑफ प्रकरण को लेकर भी केस सुना जाना है, जो कि डबल बेंच के अंदर है। दोनों ही केस दोस्तों डबल बेंच के अंदर जा चुके हैं, अब इस पर दोनों पर एक ही दिन सुनवाई होनी है। तो दोस्तों उसी चीज़ को लेकर मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है जो अभी का जो लेटेस्ट वहाँ से रेट को लेकर जो भी पेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिशी एट अलावा, जी हाँ दोस्तों लखनऊ बेंच के अंदर डाला गया है। तो लखनऊ खंडपीठ के अंदर ही दोस्तों इस केस की सुनवाई होने वाली है, जो कि बीएड के खिलाफ लगा हुआ। अब लगातार दोस्तों जो है कहीं ना कहीं एक और नई याचिकाएँ लगाई जा रही हैं। कभी दोस्तों आप सभी को पता है कि डबल बेंच में स्पेशल याचिका डाली जाती है 29 मार्च के ऑर्डर को लेकर, जो कि दोस्तों बीएड बीटीसी के छात्र डालते हैं। अब इसमें दोस्तों बीटीसी और शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिका डाली गई है बीएड के खिलाफ। लगातार ऐसी याचिकाएँ दोस्तों आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जब से शुरू हुई है लगातार तभी से आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। रोज़ नई याचिकाएं दोस्तों इस केस के अंदर आती हैं, लेकिन इस केस का जो सॉल्यूशन है वो अभी तक कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा, क्योंकि सरकार जो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, चाहे वो किसी भी तरफ लेकर होना चाहिए, चाहे दोस्तों भर्ती को संपन्न कराएं या फिर दोस्तों डबल बेंच में जाएं, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर नहीं होगा तो ऐसी याचिकाएं रोज़ जलती रहेंगी और कहीं ना कहीं इस भर्ती के लिए दोस्तों जो रोड़ा बनी हुई है याचिकाएँ वो आगे आकर भी बनती रहेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये आकाश पटेल जी ने याचिका जो है डाली है, जो बीएड के खिलाफ लगाई गई है। आप लोगों के सामने दूसरा पेज भी अवेलेबल है, मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये याचिका जो है दोस्तों डाली गई है, अमित भदौरिया जी इसमें लड़ने वाले हैं, साथ में दोस्तों एलपी मिश्रा जी भी इस केस को जो है लड़ेंगे बीएड के खिलाफ। तो दोनों ही सीनियर वकील दोस्तों इस केस में जाने वाले हैं शिक्षा मित्र और बीटीसी की तरफ से। और अगर इधर बात की जाए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 तारीख को दोस्तों जो सरकारी एडवोकेट की तरफ से दावा किया गया था कि सरकारी वकील जो इस बात को बोल रहे थे कि सरकार की जो स्पेशल अपील है वो लगभग तैयार हो चुकी है और 20 तारीख तक डाली जाएगी, आज लगभग दोस्तों 20 तारीख भी निकल चुकी है और सरकार की तरफ से कोई भी स्पेशल अपील जो है देखने नहीं मिली है। उम्मीदें हैं दोस्तों इस हफ्ते के अंदर अंदर सरकार अपना स्टैंड जो वो क्लियर करेगी। अगर ये स्टैंड जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में रोज़ ऐसी याचिकाएँ दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो वो लटकी होगी। तो दोस्तों कठोर कदम उठाने की जरूरत है, उम्मीद है जल्द से जल्द सरकार इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर करेगी। फिलहाल दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया कि बीएड को लेकर एक और याचिका जो है लगी है डबल बेंच के अंदर, जिसकी सुनवाई होने वाली है लखनऊ खंडपीठ के अंदर वीरवार को, मतलब थर्सडे। आगे की अपडेट की आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के साथ, आप सभी को सारी की सारी अपडेट जो मिलती रहेगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।